वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में आपको सर्कुलर प्लाजो और सिंपल प्लाजो की ड्राफ्टिंग बताऊंगी एंड देन हम सिंपल प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप सर्कुलर प्लाजो बनाते होंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आती होगी कि आपका प्लाजो ऊपर से तो स्ट्रेटली रहता है और नीचे आके आपका प्लाजो एक साइड से लंबा हो जाता होगा और एक साइड से आपका प्लाजो ऊंचा चढ़ जाता होगा। ये प्रॉब्लम बहुत से जनों के साथ होती है, वो कटिंग के कारण होती है। आप कटिंग सही से नहीं कर पाते, उसकी वजह से आपका प्लाजो एक साइड से ऊंचा चढ़ जाता है और एक साइड से नीचे हो जाता है, बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। मींस एक पैर का प्लाजो इधर की साइड से नीचा हो जाता है, यहां से नीचा हो जाता है और इधर से ऊंचा हो जाता है। कारण ये रहता है कि हम यहाँ से तो स्ट्रेटली ले लेते हैं और यहाँ से भी उतना ही लेते हैं, बट हमें यहाँ से कम करना होता है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कितना नीचे से कम करते हैं। हम यहाँ से बराबर लेंगे तो हमारा प्लाजो ऊंचा नीचा रहेगा, हमें यहाँ पर कम लेना रहता है इधर की साइड से, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं आपको सिंपल प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। सो सिंपल प्लाजो हम यहाँ पर सिंपल प्लाजो जो कि बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे। ये हमारा सर्कुलर प्लाजो नहीं है, ये नीचे से स्ट्रेटली प्लाजो रहता है, वो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सिर्फ तीन मेजरमेंट की जरूरत रहती है। ये तीन मेजरमेंट कौन कौन से है वो मैं आपको बताती हूँ। सो हमें क्या क्या चाहिए, कमर का मेजरमेंट, जितनी भी हमारी जहाँ हमारा इलास्टिक होता है, जहाँ से हम नीचे की सलवार या जींस पेयर करते हैं वहाँ की कमर की गोलाई कितनी होती है, तो एक्यूरेट कमर की गोलाई लेते हैं। और जितनी भी हमारी ये लंबाई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजर की जाती है कि हमें एक्यूरेट लंबाई कितनी, रेडी लंबाई कितनी रखनी है। एंड हिप की गोलाई जो ये हमारा यहाँ पर का मेजरमेंट होता है, वो गोलाई मेजर करते हैं कि हमारी यहाँ की गोलाई कितनी है। हम थाई की या नीचे की पोर्शन की गोलाई नहीं लेते क्योंकि यहाँ पर तो हमारा ओपन साइड रहेगा, बट यहाँ हमारा फिटिंग साइड रहता है, तो यहाँ की हम गोलाई लेते हैं कि यहाँ एक्यूरेट गोलाई कितनी लेनी है हमें। सो ये मेजरमेंट करेंगे और फिर हम कपड़े को, हमारा कपड़ा जो भी रहता है उसको फोर फोल्ड करेंगे। मेजरमेंट हमेशा हम ओपन साइड में लगाएंगे, बंद भाग की साइड हमारी ये इधर की रहेगी, मेजरमेंट हमारा बंद भाग की साइड रहेगा। सो इस टाइप से, और यहाँ पर हम 2 इंच ऊपर, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा रहता है तो आप इसमें से ही ले सकते हैं, और अगर आपका कपड़ा कम है तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्योंकि अधिकतर कपड़े छोटे पने के होते हैं, तो उसमें हम यहाँ पर फिर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना रहेगा वो अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए। सो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा, और नीचे की साइड भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो ताकि वो भी अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। सो इसलिए हम यहाँ पर इस टाइप से सिंपल प्लाजो बहुत ही सिंपल रहता है। और यहाँ का मेजरमेंट हम जो हमारा हिप मेजरमेंट होता है, ये जो हमारा हिप मेजरमेंट होता है उसका 4 पार्ट लेते हैं। जितना भी हमारा हिप मेजरमेंट होगा उसका 4 पार्ट लेंगे, उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपका प्लाजो सर्कुलर रहता है तो उसमें आप 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पर हम बराबर लेंगे, 1/2 इंचेस भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, और यहाँ पर हम 1/2 इंचेस ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमारा प्लाजो ऊपर से ही इस टाइप से गोलाई में रहता है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना रहता है। यहाँ पर हम बिल्कुल जितना हमारा चौथा भाग होगा उतनी हम यहाँ पर लंबाई लेंगे। और यहाँ पर हम अगर हमारा हिप मेजरमेंट 30, 34 या 32 तक या 36 तक भी होता है तो हम यहाँ 1.5 से 1.75 इंचेस लेंगे। अगर आपका हिप मेजरमेंट ज़्यादा होता है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, समथिंग 2 इंचेस ले लेंगे या 1.75 इंचेस, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। सो यहाँ पर इस टाइप से गोलाई तो हमारी हिप मेजरमेंट के चौथे भाग से होती है। सो ये इस टाइप से आज हम सिंपल प्लाजो बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि सर्कुलर प्लाजो की कटिंग कैसे की जाती है, और अगर आप कटिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कितना नीचे से डाउन लेना है, कितना नीचे से कम करना है, किस साइड से नीचे से कम करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपका प्लाजो ऊंचा नीचा नहीं होगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने कॉटन चिकनकारी फैब्रिक लिया हुआ है। ये इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आएगा क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट प्लाजो बना रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर ये नीचे बॉर्डर आएगी तो इसका लुक और भी अच्छा आएगा। अगर हम सर्कुलर प्लाजो बनाते हैं तो उसमें ये लुक नहीं आता है, ये स्ट्रेटली प्लाजो में बहुत अच्छा लुक आएगा। सो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है। अब इसको हम सिंपली सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारा फैब्रिक है इसको सबसे पहले डबल फोल्ड में कर लेंगे। ये हमारा फैब्रिक मैंने कुछ इस टाइप से डबल फोल्ड में कर लिया, आप देख सकते हैं ये मैंने 1 फोल्ड एंड 2 फोल्ड में किया है। ये हमारा खुला साइड है और इधर की साइड हमारा बंद भाग है। ये इस टाइप से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसको अगेन एक बार और फोल्ड कर देंगे तो हमारा फैब्रिक हो जाएगा 4 फोल्ड में। अभी ये 2 फोल्ड में है, अब एक और बार फोल्ड करेंगे तो ये फैब्रिक हो गया 4 फोल्ड में। हमें यहाँ पर एक्यूरेट लेंथ चाहिए 38 की। सो यहाँ पर मैंने इस कपड़े की लेंथ ली है, नीचे की साइड से हमें उठना ही नहीं है। सो यहाँ पर मैंने 38 की लेंथ चाहिए तो मैंने आपको 40 लेंथ ली है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड 2 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है, वो मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड इलास्टिक लगाने के लिए यहाँ पर पहले इसको स्ट्रेटली ड्रॉ कर देंगे। हमारा फैब्रिक, अगर आपका पना कम होता है तो आप यहाँ पर अलग से कपड़ा ज्वाइन भी कर सकते हैं, और नॉर्मली इतना पन्ना तो आता है कि हमारा प्लाजो स्ट्रेटली बन जाए।
सो यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इसको मैंने स्ट्रेटली ड्रॉ कर लिया है। जितने भी हमारा हिप मेजरमेंट होगा उसमें हम यहाँ 2 इंच लूजिंग रखेंगे और यहाँ पर मेजरमेंट लगा देंगे एक्यूरेट। जितनी भी हमारा हिप मेजरमेंट होगा तो मैं यहाँ पर 2 इंच लूजिंग रखते हुए यहाँ पर एक मार्क लगा रही हूँ, ये मैंने 2 इंच लूजिंग रखी है। अब यहाँ पर मैं जितना हमारा एक्यूरेट फिटिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा बिना लूजिंग जितना भी हमारा हिप मेजरमेंट होगा उसका चौथा भाग लेंगे और यहाँ पर हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मेजर लगा देंगे। सो मैंने यहाँ पर 8.5 इंचेस में मेजरमेंट लगाया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने 12 इंचेस लिया है, ये हमारा हिप मेजरमेंट का चौथा भाग लिया है। जितना भी हमारा हिप मेजरमेंट होगा उसका चौथा भाग लेंगे और यहाँ पर इसको स्ट्रेटली मिला देंगे, यहाँ पर स्ट्रेटली इसको मिला देंगे और इसमें हल्का सा काउ शेप दे देंगे। 1 इंच का काउ शेप दे रही हूँ मैं यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ पर 1 इंच का गोलाई शेप दे देंगे ये कुछ इस टाइप से। आप जिस भी मेजरमेंट का बनाएं उसमें आप यहाँ पर ऊपर से साइड से 2 इंच लूजिंग रखिएगा और नीचे की साइड से बराबर उसका चौथा भाग लेके गोलाई शेप दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेटली इसको मिला देंगे कपड़े को। जितना भी हमारा उधर के साइड का कपड़ा है यहाँ से इसका कर्व शेप से नीचे तक स्ट्रेटली मिला देंगे और नीचे की साइड से जो हमारा खुला साइड है वहाँ पर मैं 1/2 इंच इस टाइप से कट कर रही हूँ क्योंकि हमारा फैब्रिक यहाँ पर स्ट्रेटली है, बट वो है ना आसन में खिंचाव की साइड खिंचाव आने से वो नीचे की साइड से ऊपर चढ़ जाता है। सो यहाँ पर मैं हल्का सा नीचे की साइड से कर्व शेप दे दूंगी। अब ऊपर की साइड जो हमने ये मेजरमेंट लगाए है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक मैं कट कर रही हूँ ये इस टाइप से। हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इलास्टिक लगाने के लिए, इसको हम कट नहीं करेंगे। ये जो हमारा गोलाई शेप दी है मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर लेंगे और जो ये हमारा नीचे का फैब्रिक मैंने जो एक्स्ट्रा निकाला है उसको ट्रायंगल शेप में उसको भी यहाँ पर कट कर लेंगे। ये इस टाइप से मैं यहाँ पर कट कर लूँगी और जो नीचे हमारा है इसको भी यहाँ पर कट कर लेंगे और इधर की साइड से मैंने 1/2 इंच करीब 1/2 इंच मैंने यहाँ पर फैब्रिक को हल्का सा रिमूव किया है और यहाँ पर ये जो हमारा एक साइड बंद था इसको भी मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगी। सो ये इस टाइप से हमारे दोनों पैर की कटिंग हो गई है, ये हमारे दोनों पैर है। अब इनको यहाँ पर इस टाइप से ले लेंगे उल्टी साइड से, मैंने यहाँ पर उल्टी साइड से दोनों पैर को बिछा लिया है, ये हमारे दोनों तरफ के भाग है। अब यहाँ पर जो ये हमारा आसन है इस टाइप से इसको गोलाई शेप दिया हुआ है, यहाँ पर इसको सिल लेंगे, यहाँ पर इस टाइप से स्टिच कर लेंगे। अंदर वाला भाग हमारा सीधा है, ऊपर वाला भाग हमारा ये उल्टा है। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली, आप देख सकते हैं। अब जो हमारा सेंटर रहेगा वहाँ से इसको उठाएंगे, ये हमारे दोनों साइड सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा सेंटर है यहाँ से उठाएंगे और इस टाइप से उठा के रख लेंगे, ये आसन हमारा बीच में आ जाएगा सेंटर में, आप देख सकते हो। और ये इस टाइप से मैंने उठा लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने 2 इंच यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था इसको हम पलट देंगे, अंदर की साइड पलटेंगे और हल्का सा पहले हम यहाँ पर अंदर की साइड फोल्ड करेंगे ताकि बाहर रुए ना आए। सो उसके लिए अंदर की साइड फोल्ड करते हुए 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, आप जितना भी अगर आपका इलास्टिक 1 इंच वाला है तो आप उसके अकॉर्डिंग 1 इंच अंदर पलटने के लिए और 1/2 इंच करीब अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया था, तो मैंने यहाँ पर इस टाइप से 2 इंच लिया था, तो यहाँ पर मैं जो अंदर फैब्रिक जा रहा है उसको एक्स्ट्रा को अंदर की साइड रख देंगे और यहाँ पर बिल्कुल जितना हमारा इलास्टिक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब हमें इलास्टिक कितना लेना है, मैं यहाँ पर जितनी भी हमारा कमर का गोलाई हो उसके से मैं यहाँ पर 2 इंच कम ले रही हूँ, ज़्यादा भी कम नहीं लेंगे वरना हमारा इलास्टिक तना जाता है। सो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 इंच कम ले रही हूँ, हमारी कमर 29 है सो मैं यहाँ पर 27 ले रही हूँ, ज़्यादा कम भी नहीं ले रही हूँ ज़्यादा भी नहीं ले रही हूँ। उससे यहाँ पर 27 का इंच का मैंने इलास्टिक लिया है, इसको कट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर पहले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इस इलास्टिक को अंदर की साइड इंसर्ट कर देंगे। सो यहाँ पर मैं पहले कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पर अलग से पट्टी लगा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर ऊपर की साइड फिनिशिंग से स्टिच की सिलाई भी दे दी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अंदर की साइड इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गैपिंग रखी थी, हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ से थोड़ी सी गैपिंग छोड़ दी थी। अब इसको अंदर की साइड इंसर्ट कर लेंगे इलास्टिक को, जितना भी हमारा अंदर की साइड इंसर्ट है इसको ध्यान रहे ये इलास्टिक अंदर की साइड से उल्टा सीधा नहीं हो जाए, बराबर से इंसर्ट करें क्योंकि हमने यहाँ पर 2 इंच की इलास्टिक ली और 2 इंच की मैंने अंदर की साइड मार्जिन रखी है तो ये इलास्टिक ऊंचा नीचा नहीं होगा। सो यहाँ पर इसको अंदर की साइड हम इंसर्ट कर लेंगे। जितना भी हमारे कमर की गोलाई हो उससे हम 2 इंच कम लेंगे इलास्टिक को ताकि वह फिटिंग बिल्कुल ज़्यादा फिटिंग भी नहीं हो और बिल्कुल कम लूजिंग भी नहीं हो। सो मैंने यहाँ पर 2 इंच कम लिया है और ये ऑल ओवर मैंने इलास्टिक को अंदर की साइड इंसर्ट कर लिया है। अब ये हमारा जो ये हमारा स्टेप से इलास्टिक का मुँह पहले हम अटैच कर देंगे दोनों साइड का। सो
सो ये एक के ऊपर एक रख के सिलाई करेंगे हम, ऐसे सिलाई नहीं करेंगे वरना रूएं बाहर आ जाते हैं। सो मैं यहाँ पर एक के ऊपर एक सिलाई कर लूँगी और उसके बाद ये जो हमने छोड़ा था गैपिंग उसको भी यहाँ पर मैं स्टिच कर लूँगी और फिर बराबर से गैदरिंग दे देंगे, जो हमारी इक्वली गैदरिंग बराबर दे देंगे यहाँ पर। इस टाइप से मैंने इक्वली, आप देख सकते हैं बराबर गैदर आ गए हैं, ना पीछे की साइड ज़्यादा है ना आगे की साइड कम है। बराबर गैदरिंग देने के बाद यहाँ पर इसको खींच के दो तीन सिलाई लगा देंगे ऊपर की साइड, और ये जो हमने यहाँ पर सिलाई छोड़ी थी इसको भी यहाँ पर स्टिच कर देंगे। यहाँ से लेके स्टिच करेंगे यहाँ पर बराबर से मिलाते हुए यहाँ तक स्टिच कर देंगे इस साइड तक, और ये जो हल्की सी यहाँ पर सिलाई भी दे देंगे, हमने यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा कट किया था नीचे की साइड। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर दो तीन सिलाई दे देंगे, एक बीच में, एक ऊपर की साइड और एक नीचे, तो हमने दे ही दी थी। हम बीच में सेंटर में सिलाई दे देंगे क्योंकि हमारा लास्टिक 2 इंच वाला था, और अगर आपका 1.5 इंच वाला भी रहता है तो आप लास्टिक में सिलाई दे दीजिएगा। और ये ऑल ओवर हमारा प्लाजो रेडी हो गया गाइस। इसी पेयर करने के बाद कुछ इस टाइप से लगेगा। अगर सके वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास नेक्स्ट क्लास हमारी सर्कुलर प्लाजो की आप ज्वाइन कर सकें। और थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।